उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में दिल्ली आनंद विहार से सवारी लेकर हल्द्वानी जा रही अमरोहा डिपो की रोडवेज बस घने कोहरे में हाईवे पर गन्ना लदे ट्रक में घुस गई। हादसे में 9 यात्री घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गया CHC में भर्ती कराया है। DM और SP ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। हादसे में रामपुर मुरादाबाद अमरोहा बरेली के यात्री घायल हुए हैं। दरअसल रविवार की रात अमरोहा डिपो की बस दिल्ली आनंद विहार से सवारी लेकर हल्द्वानी जाने के लिए निकली थी। बस में करीब 25 से 30 सवारी थी। सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे जैसे ही बस रजबपुर थाना इलाके में हाईवे स्थित खाता चौराहा ओवर ब्रिज पर पहुंची, तभी वहां पहले से खड़े गन्ना लदे ट्रक में पीछे से घुस गई। टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही रजबपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला और घायलों को लोहिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जबकि सुरक्षित बचे यात्रियों को दूसरे वाहनों में बिठाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना किया।